अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्लोबल व्यू। तो आज के व्लॉग में हम आपको शेयर करवाएंगे गिटी दास के खूबसूरत पहाड़ों के अंदर छुपी हुई एक लेक है जिसका नाम है फेरी लेक। बालाकोट से लेकर बाबूसर टॉप तक फैली हुई ये खूबसूरत वादी है गान की खूबसूरती की मिसाल ये वादी खुद है। इस खूबसूरत वादी को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा हुस्न से नवाजा है। एक अदादोशुमार के मुताबिक वादी कहान के अंदर तकरीबन 200 के करीब झीलें मौजूद हैं। आज के एनवान में भी इन्हीं खूबसूरत झीलों में से एक झील है जिसका नाम है फेरी लेक। गिटी दास के पहाड़ों के अंदर छुपी हुई फेरी लेक तक लेके जाएंगे इस व्लॉग में। लुलूसर लेक से हम आपको इस वक्त वेलकम करते हैं, आपने इसी व्लॉग में रहना है। इस वक्त हम अपने ट्रैकिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, आप सामने वाली साइड देख सकते हैं, ये बाबूसर टॉप वाली रोड है। इसी के साथ जो ऊपर की तरफ एक नीचे वाटर स्ट्रीम आ रही है, आपने इसी वाटर स्ट्रीम के साथ अपनी हाइकिंग और ट्रैकिंग का आगाज़ कर लेना है। ये वाटर स्ट्रीम आपको फेरी लेक तक लेके जाएगी। जब आप अपनी गिटी दास से ट्रैकिंग का आगाज़ करेंगे तो वाटर स्ट्रीम के बहते हुए पानी का शोर और साथ में ग्रीन कारपेट के ऊपर बिछी हुई खूबसूरत फूलों की चादर आपको इस वैली में वेलकम करेगी। फाइनली वीवर, 2 घंटे की हाइकिंग और ट्रैकिंग करने के बाद हम पहुंच गए हैं लालाजार मैडोज में, और फेरी लेक भी इसी मैडोज के अंदर है, वो भी आपको दिखाएंगे। 27 समंदर से 13,800 फीट बुलंद मकाम है ये, और लुलूसर दुधीपतसर नेशनल पार्क का हिस्सा है। अगर आप इस लेक को एक्सप्लोर करने के लिए आएंगे तो आपको इसकी ट्रैकिंग में बहुत ज़्यादा खूबसूरती मिलेगी। खूबसूरती में कभी आपको ये खूबसूरत कलर के फ्लावर वेलकम करेंगे, वाटर स्ट्रीम के साथ आसमान से गिरती हुई ये खूबसूरत झरने, और उसके साथ आपको आखिर में वेलकम करेगी फ्रोज़न हालत में ग्लेशियर के अंदर ये फेरी लेक। गिटी दास के लालाजार मैडोज के अंदर 4 लेक मौजूद हैं, जिनमें से 3 लेक मैंने 2020 में एक्सप्लोर किए थे। उनमें सबसे बड़ी लेक है लालाजार लेक। इस वाटर स्ट्रीम के बिल्कुल पीछे है लालाजार लेक, यास्मीन लेक, आंसू लेक। अगर आपने मेरे ये व्लॉग नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा, स्पेशली लालाजार लेक और गिटी दास का आंसू लेक का व्लॉग आप ज़रूर देखें। ग्लेशियर्स के नीचे है, हम अच्छी तरह से इसको आपको नहीं दिखा पा रहे, बिहाइंड द स्क्रीन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, और मेरे पीछे आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख सकते हैं नज़ारे बहुत मस्त हैं, झील बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हम झील की और लोकेशन आपके साथ शेयर करेंगे। Oh, 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 oh
और जा रहे हैं इस वक्त। और ये झील तकरीबन बहुत बड़ी है, लेकिन आप देख सकते हैं इसके ऊपर अभी ग्लेशियर्स हैं। को ग्लेशियर्स के अंदर से दिखा रहे हैं और इसके ऊपर सारा ग्लेशियर है, तकरीबन मैक्सिमम अभी भी इसके ऊपर 20 फीट बर्फ है। और लेक इसके अंदर है, हम आपको जूम करके दिखाएंगे। ये देखें जी, ये इसकी ब्यूटी है। हम यहाँ से इस झील की आपको कंप्लीट डायरेक्शन दे रहे हैं। ग्लोबल व्यू की स्क्रीन पे आपको हमेशा अनएक्सप्लोर चीज़ें मिलेंगी। हम एक्सप्लोर करके पाकिस्तान की ब्यूटी को आपको दिखाएंगे। बस आपका काम है मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और इस खूबसूरती को भी देखें। यहाँ पर क्या खूबसूरती है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा खूबसूरती से नवाजा है। तो हम अपने इस पाकिस्तान का एक अच्छा इमेजेस दुनिया को दिखाएंगे। मेरे साथ हैं बट साहब। स्नो पड़ी हुई है नीचे, ग्लेशियर्स के अंदर है, इसकी चारों इतराफ ग्लेशियर्स है और ग्रीन शेड आ रहा है यार लेक के अंदर। बिल्कुल बासित की शर्ट का कलर और उसका कलर बिल्कुल मैच हो रहा है। हम आगे तक जाएंगे, खूबसूरती आपके साथ शेयर करेंगे। अपनी जुबान में पिन्ना बोलते हैं, पिन्ना बर्फ का पिन्ना देख सकते हैं आप। पिन्ना भी आपको खिलाएंगे, वो आपको दिखाया उसकी जितनी खूबसूरती थी वो आपके साथ शेयर की। यहाँ पर हमें कुछ पत्थर मिले हैं, ये देखें बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं, बड़े खूबसूरत किस्म के। तो लेक के पीछे आप इंजॉय कर रहे हैं। अभी हम आपको मैन जूबी मेडोज पे लेके जाएंगे। मैन जो बड़ी लेक है उसकी खूबसूरती आपको इसके साथ शेयर करेंगे। इस व्लॉग को हम यहाँ पर इख्तिताम करते हैं, मिलते हैं आपको अगली लेक पर। तब तक आप अपना ख्याल रखना है और मेरे यूट्यूब चैनल का भी आप ख्याल रखना है। देखते रहें ग्लोबल व्यू विद रिजवान।